हरे कृष्णा। तो चलिए आज हम कराने जा रहे हैं आपको बहुत ही ज्यादा सुंदर दर्शन सिमन द्वीप और कोला द्वीप के। हरी बोल। तो आज हम आए हैं श्री राजापुर जगन्नाथ टेंपल और टेंपल के बाहर ही हमें गरुड़ देव जी के दर्शन प्राप्त होते हैं और अंदर श्रील प्रभुपाद जी के। हरी बोल। तो इतना जबरदस्त कीर्तन करने के बाद हम सभी चलते हैं प्रसादम पाने। तो प्रसादम बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी मां प्रसाद की जय। तो यही वो बोट है जिसके अंदर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी का बोट फेस्टिवल मनाया जाता है। हरी बोल। नौका विहार की जय। तो इतने सुंदर दर्शन पाने के बाद हम निकल पड़ते हैं बेलपुकुर की ओर। हरि बोल। चार कुमार, एक छोटा सा बालक है 12 साल के, उनका नाम था निम्बादी। पता आपको पता है वो गए कहाँ? पंचमुखी शिव के पास। पंचमुखी शिव से वार्तालाप हो गई। उन्हें बोला कि जंगल के पार परे चार कुमार तपस्या कर रहे हैं, चले जाइए, उनका सेवा कीजिए और आपको आप उनको आपको वो दीक्षा देंगे। तो उनको दीक्षा दे दिया, नाम पड़ गया निम्बार्क आचार्य। तो देखिए, चार कुमारों ने निम्बार्क आचार्य को आपने दीक्षा दिया तो जग कितनी विशिष्ट है। और यहाँ पे सुनिए कितना अच्छा वातावरण है। उत्सव विवरण है, सच्ची माता ने 600 साल पहले सिलेट बांग्लादेश से लाया। इतने खूबसूरत हैं, मैं इंजीनियर हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके नख जो है इतने अच्छी तरह से उनको तराशा है और पैरों में खड़ा हुआ है इतना सुंदर तरीके से बना, इतने छोटे खाली विग्रह है। आप सोचिए कि नख दिखता है, पैरों में खड़ा हुआ दिखता है और 600 साल पहले। सच्ची माता एकदम जो इनके पास सीखा भी है सब कुछ है। So come next time and talk to him and you don't have to remind him. He will just know you. Yes. All you need to do is just come and open your mouth. He'll talk to you. हरी बोल। तो मदन गोपाल जी के दर्शन बहुत ही ज्यादा सुंदर थे। श्री मदन गोपाल की जय। हरी बोल। तो जिस रूम में हम रुके हुए हैं उसके जरा बाहर का नजारा आपको दिखाते हैं। अभी देखो, हरी बोल। तो चलते हैं प्रभुपाद घाट पे स्नान करने। श्री प्रभुपाद की जय। हरी बोल। गंगा मैया की जय। हरी बोल। श्री प्रभुपाद की जय। तो अब समय आ चुका है कोला द्वीप जाने का। तो हम सभी बोट पे सवार होकर करते हैं संकीर्तन। और आप देख सकते हैं ये ब्रिज बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से बैम्बू से बना रखा है। हरी वो।
तो कोला द्वीप नवदा भक्ति में पद सेवनम को सिग्निफाई करता है। उस समय उनकी पत्नी विष्णुप्रिया की उम्र थी केवल 16 वर्ष और महाप्रभु तो कुल 48 वर्ष के लिए रहे, लेकिन विष्णुप्रिया देवी इस भौतिक जगत में 96 इयर्स तक रहे। 80 वर्षों तक उन्होंने इन श्री विग्रहों की सेवा की। जब महाप्रभु ने संन्यास लिया तो विष्णुप्रिया बोलती हैं कि हे प्रभु, आप चले जाएंगे, मैं कैसे रहूंगी, मैं तो आपके बिना नहीं रह सकती। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने श्री विग्रह और जो पादुका प्रभु दर्शन किए, पादुका प्रभु महाप्रभु ने विष्णु प्रिया को दिए कि आज की बात से तुम इनकी सेवा करना। विष्णु प्रिया महाप्रभु की, धामेश्वर महाप्रभु की सेवा करती थी और बाद में इनके कजन ब्रदर थे वो विष्णु प्रिया जब इस संसार से अपनी लीलाएं समेट के चली गई, उसके बाद में उनके कजन ब्रदर इनकी सेवा करते थे। पहले वो कुलिया ग्राम में रहते थे गंगा नदी के पूर्व दिशा की तरफ, फिर बाद में गंगा नदी के प्रवाह से उनका जो घर था वो ध्वस्त हो गया और फिर वो इस तरफ पश्चिम दिशा की तरफ, गंगा के पश्चिम दिशा की तरफ यहाँ पर आकर रहने लग गए। तो उनके बाद से इनकी विग्रहों की सेवा ये करते। तो आज के समय में जो विष्णुप्रिया का जो मायका हमारी भाषा में उनके जो पिटर्नल साइड के जो भक्त जो है वो इनकी सेवा करते आए, क्योंकि कजन ब्रदर ने बाद में सेवा किया। तो आज ये लोग जो है इन विग्रहों को, महाप्रभु को अपने सन इन लॉ की तरह देखते हैं, दामाद, उस तरह से उनको पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं। तो इसके बाद हम गौड़िया मठ में दर्शन करने जाते हैं श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के समाधि स्थान का, तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। हरि बोल। और यहीं पर श्रीला जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज जी के पर्सनल डीटीज भी आप देख सकते हैं। हरि बोल। हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा तो इसके बाद बोट के थ्रू हम निकल पड़ते हैं इस्कॉन मायापुर की ओर। हरि बोल। और रास्ते में ही श्री जगन्नाथ मंदिर में हमने अटेंड की संध्या आरती। तो चलिए आपको आज के श्री श्री राधा माधव और पंचतत्व जी के दर्शन करवाते हैं। हरि बोल। Hare Rama,
हरी बोल हरी बोल, पास्ता खाइए मजे करिए। श्रील प्रभुपाद की जय, हरी बोल हरी बोल। तो उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।